हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टमाटर की बहुत ही लाजवाब तीखी मीठी चटपटी चटनी की रेसिपी, जो कि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आइए देखते हैं इसके लिए मैं क्या क्या लेंगी। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए देखते हैं कैसे बनाना है। इसके लिए मैं ले रही हूँ 8 मीडियम साइज टमाटो, जिनको मैं बड़े टुकड़ों में काट ली है। हल्दी पाउडर आधा चम्मच, रेड चिली पाउडर आधा चम्मच, नमक लेना है 1 छोटी चम्मच, लहसुन लिए मैंने 6 से 7 बारीक कटे हुए, ग्रीन चिली लिए है 2 बड़े टुकड़े में कटे हुए, जीरा लेना है आधा छोटी चम्मच, शुगर लेना है 2 बड़े चम्मच। कढ़ाई मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल ले लिया, तेल गर्म हो गया है, इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा, साथ में डाल देंगे हरी मिर्च, लहसुन, लहसुन को ब्राउन होने देंगे। लहसुन ब्राउन हो गया है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ मसाले, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, नमक भी डाल देंगे। अब हम ऐड कर देंगे टमाटोज, इसे 2 मिनट सॉफ्ट ही करेंगे, जब तक टमाटो सॉफ्ट ना हो जाए तब तक। ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चीनी, इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए देखते हैं चटनी का क्या हाल है। ये देखिए चटनी पककर रेडी है, तो आप भी इसे घर पर बनाएं और इसका मजा लें, रोटी पूरी पराठे और सैंडविच के साथ। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही डिलीशियस। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आपके कोई कमेंट हैं तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह रोज नई नई रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें, जहां मैं रोज आपके लिए एक नई डिश लेकर आती हूं। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।